हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आप सभी का स्वागत है। हम जा रहे हैं आप सबके बीच शेयर करने बटाटा वड़ा की रेसिपी। हमने बेसन ले लिया है, थोड़ा सा मैदा ले लिया है और बेकिंग पाउडर हमने ले लिया है आधा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ले लिया है हमने आधा टीस्पून। नमक स्वादानुसार नमक हमने ले लिया है। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। फेट लेंगे इसे हम जो है अच्छी तरीके से। पानी को जो है हमने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। इस तरीके से फेट लेंगे हम इसे जो है। अच्छे से इसमें ताकि गुठलियां न रहे इस तरीके से हम इसे फेटना है हमें जो है। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसे हम फिर अच्छी तरीके से फेट लेंगे जो है। इस तरीके से हमारा बेटर जो है अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। तीन हमने हरी मिर्च ले लिया है, लहसुन की 15-20 कलियां ले लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और हमने धनिया को ले लिया है। अब इसे हम मिक्सर में डालेंगे और इसे हम जो है पीस लेंगे। हल्का सा ये हमारा दरदरा पिसा गया है जो है। ये जी हमने आलू को ले लिया है जो है और इसे उबाल लिया है। कढ़ाई हमने रख दिया है गैस पे जो है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे जो है। सरसों का हम ऑयल डाल रहे हैं, आप अपने अनुसार ऑयल डाल सकते हैं जो है। हमने थोड़ा सा इसमें जीरा को डाल दिया है और हमने सरसों को डाल दिया है और कड़ी पत्ता। अब हमारा सरसों और भी चटक गया है। अब इसमें हम जानेंगे जो लहसुन और अदरक और मिर्चा का पेस्ट बना के रखे थे इसे हमने डाल दिया है। इसे हम डालने के बाद जो है हल्का सा भून लेंगे। ज्यादा नहीं हमें भूनना है, हल्का सा ही भूनना है जो है। ये हमारा इस तरीके से भुना गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो है अमचूर पाउडर, हल्दी। अब इस तरीके से हम इसको भून लेंगे जो है। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने मिक्स के रखा हुआ है इसमें। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
हमारी आलू की कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तेल हमने रख दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम जो है इसे गोल स्टेप में बनाकर इसे हम छान लेंगे बटाटा बड़ा को। जितना आ सके उतना ही आप डालिए जो है। गैस को फ्लेम को धीमा कर दीजिए। चम्मच की सहायता से हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए हमारा बटाटा बड़ा किस तरीके से बन गया है। ये देखिए हमारा बटाटा बड़ा जो है अच्छी तरीके से हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके हम सारे बना लेंगे जो है। तरीके हम इसे पलट लेंगे अच्छे से। ये देखिए हम धीमी आंच पे इसे जो है बना रहे हैं। इस तरीके हमारा ये बटाटा बड़ा देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे जो है। इसे बना लेंगे। ये हमें मिर्चा को भी फ्राई कर लेना है। इसके बिना मिर्चे के बिना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में। हमारा ये मिर्चा फ्राई हो गया है। इस तरीके से ये देखिए हम इसे सजा देंगे और हम इस चटनी के साथ इसे गार्निश करेंगे। चटनी के साथ इसे हम गार्निश करके सजा देंगे।